वेरी नाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंड इससे पहले कि हम आप सब लोग इससे दोबारा एक मतलब फिर बातचीत शुरू करें, बचपन में पढ़ाई के साथ कालीन बनाने का काम किया, गधा गाड़ी भी चलाई है, सिनेमा में फिल्म प्रोजेक्टर चलाया, तमाम मेहनत वाले काम किए हैं, फिर प्लाजा पर आकर सीट कवर गाड़ियों में बांधने शुरू किए। आज तरक्की करते करते दो दुकानों के मालिक हैं, 8 बच्चे हैं, 5 बेटियाँ और 3 बेटे हैं, 2 बेटे दुकान पर काम करते हैं, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। एक्टिंग और गाने का बहुत शौक है। हबीब अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अभी भाई? ठीक ठाक जी सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है ना हमारी ये शादी वीक की सारी प्रमोशन चल रही है। जी हाँ। तो आपके पास कभी गाड़ियाँ आती हैं जो कहते हैं कि जी मेरी शादी होने वाली है तो मेरी गाड़ी के अंदर सीट कवर लगवा दो? जी हाँ, डेकोरेशन के लिए आती हैं। तो आप उनको कोई डिस्काउंट देते हैं? खुसूसी डिस्काउंट दिया जाता है। क्या डिस्काउंट देते हैं? 10% है? 10% या 10% तो कोई डिस्काउंट नहीं होता। 10% तो कोई डिस्काउंट सर, अगर 10,000 का सबसे मशहूर डिस्काउंट है 10%। 10% बहुत हो जाता है सर। मशहूर आप मेरा शो क्यों बंद करवाने पर तुले हो? मैंने 100% की बात ही नहीं की है, 10%। ये बात सुनिए, आप इस किस्म की बातें मत करें, कोई नहीं, ये आप 10% बोलिए। 10%? हाँ 10%, बस 10%, ये शो बंद हो जाएगा और कोई बात नहीं। अच्छा, आजकल लड़के लड़कियों में किल्लत किसकी है, लड़कियों की या लड़कों की? लड़कों की, अच्छे पढ़े लिखे लड़कों की। पढ़े लिखे लड़कों की उनकी किल्लत है, वजह क्या है, व्हाट डू यू थिंक? आजकल लड़कों का रुझान पढ़ाई में ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर अब आप देखें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें ये नहीं हो सकता कि मर जल्दी मर जाते हैं तो कम हो गई उनकी तादाद? नहीं, ये बात नहीं, ऐसा नहीं है। रेशो जो है औरतों का 52% है। अच्छा, और पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में? औरतों का पूरी दुनिया की बात कर, नहीं दुनिया में तो ज़्यादा है औरतें, दुनिया में सच बता रहा हूँ, 52% है, 52 से भी ज़्यादा, 48% इज मेन पॉपुलेशन एंड 52% इज वुमेन पॉपुलेशन। दरअसल लड़के पढ़ ज़्यादा, लड़कियाँ पढ़ ज्यादा, पढ़ी लिखी ज़्यादा है, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ गई हैं। पहले लड़कियों की सीटें थी मुख्तलिफ जगह पर, तो फिर उसमें नहीं इनको इतना टाइम वो मिलता था, अब ओपन डायरेक्ट हो गया, लिमिटेड जी। हाँ, अब ज्यादा अब लड़कियां जा रही हैं ऊपर से, पाकिस्तान के हालात, बम ब्लास्ट, उसमें तो बेचारे सारे लड़के ही जाते हैं ना। थैंक यू, फाइनली समवन एक्चुअली स्पीकिंग फॉर अस। अच्छा, आप भी बताइए पाकिस्तान में इस वक्त फैशन किस चीज़ का है? नॉर्मली ब्राइड्स जो हैं वो कौन कौन से कलर इस्तेमाल करें? ब्राइड्स बेसिकली अब जो है ना बहुत वाइब्रेंट कलर्स आ गए हैं। एक ज़माना था जब टिपिकल रेड कलर्स बहुत इन थे, थोड़ा सा ट्रेंड ये भी चेंज हो गया कि ब्राइडल्स की अब शर्ट लेंथ फुल हो गई हैं। अच्छा, तो बिल्कुल नी तक आ गया, गरारा आपका बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, या एंड का बॉर्डर है या यू नो दैट्स इट। एंड कलर्स में मरून है बंट ऑरेंज के साथ, ब्लैक सिल्वर के साथ, पिंक दुपट्टा कंट्रास्ट में टर्कोइज दुपट्टा, एंड ऑफ वाइट शर्ट के साथ यू नो रस्ट कलर का, ये चीजें बहुत इन है। आपको डॉक्टर साहब याद है आपका जो ब्राइडल जोड़ा था वो कौन से कलर का था? ये बिल्कुल याद है, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। अच्छा सीरियसली? यस। ओके, क्या किस कलर का था? मेरा था जी, इट वाज मरून एंड गोल्ड। मरून एंड गोल्ड, और वलीमे का? वलीमे का था, इट वाज अ पीकॉक कलर्स का था, इट वाज ऑल द ओह वाओ कलर्स, सारे कलर्स थे जी, ब्यूटीफुल। आपका कौन सा था? रेड एंड गोल्डन। रेड एंड गोल्ड, और उसके बाद वलीमे का? वलीमे का कॉपर एंड ऑफ वाइट। कॉपर एंड ऑफ वाइट। आपका? रेड कलर। रेड एंड देन वलीमे का? वलीमे का ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का था, वाओ ब्यूटीफुल। लियाकत, तुम्हारा? मेरा जो था वो शॉकिंग पिंक था। शॉकिंग पिंक था, मुझे याद है, और उस पे बॉर्डर जो था ना वो ग्रीन था, पैरेट ग्रीन। अरे वाह जबरदस्त। और वलीमे का? वलीमे का मैं समझता हूँ कि ये आइस ब्लू था। आइस ब्लू, ब्यूटीफुल, वाओ कितना फ्रॉस्ट। आपको अपना याद है जोड़ा जी? कैसा कैसा? पर्पल कलर का था, उसके अंदर गोल्डन वो था, और वलीमे पर ग्रीन था। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हबीब साहब आपको याद है? जी सर, मेरा सर क्रीम कलर का था शादी का जो निकाह का जोड़ा दूल्हा जिसमें बना था। अरे हबीब भाई, जी भाई, आपका शेरवानी का कलर नहीं पूछ रहा जी, आपकी बेगम ने कौन से रंग का? सर रेड कलर का। हाँ, हमारे टाइम में गरारे चलते थे। अच्छा, गरारे चलते थे, तो गरारा आपने पसंद किया था बेगम का? जी हाँ।
ओके, खुद लेके आए थे? जी हाँ। वेरी नाइस। 200 रुपए का मिला था उस टाइम में। ओनली 200। 200 रुपए का? ओनली 200। ये कब शादी? कितना कितना जमाना हुआ शादी को मेरी? सर मेरी शादी को 79 में हुई थी। 200 रुपए का मिल जाता था घर? 79। ये दो दुकानें तभी तो बनाई इन्होंने। 79 में। 79 में सर। और वलीमे का? वलीमे का जो था ग्रीन कलर का था उनका। जी हाँ, बेगम का। बेगम का जी। अच्छा, आपका आपकी शेरवानी कौन से कलर की थी? शेरवानी नहीं थी, मेरी सलवार कमीज थी। कौन से कलर की? क्रीम कलर की। क्रीम कलर की। और उसमें वलीमे में कोट पेंट का सूट था, 3 पीस का, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, वेरी नाइस। दोबारा? 225 रुपए का सूट आया था मेरा कपड़ा उस टाइम में। बेगम का गरारा आपने कहा, इनका जूता 225 सूट मेरा सर? नहीं सूट, मैं सूट की बात कर रहा हूँ। सूट मेरा 225 रुपए का आया था, गोल्डन मार्केट से मैं खुद खरीद के लाया था। वेरी नाइस। अच्छा, जूते भी लिए थे? जूते तो सस्ते थे सर, 90 रुपीज के। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुबीना, आपको याद है अपना जोड़ा? बिल्कुल याद है। किस कलर का था? मेरा मरून एंड बेज कलर का था। मरून एंड बेज। वेरी गुड। शादी पे? शादी। ओके। और वलीमे पे? वलीमे का कंप्लीट ऑफ वाइट एंड गोल्ड था। वाह, ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल कलर। मैम आपको याद है? बिल्कुल याद है, शादी का मरून और गोल्ड था। ओके। और वलीमे का पिंक एंड गोल्ड। पिंक एंड गोल्ड, डार्क पिंक एंड गोल्ड। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। वाह, आपके बच्चों की शादियाँ हुई? किसी की भी नहीं हुई? नहीं सर, अभी मंगनी की हुई है। अभी मंगनी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपको याद है आपके हस्बैंड ने क्या पहना था? मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने सूट पहना था। नहीं, शादी में क्या पहना? शादी के दिन भी उन्होंने सूट ही पहना था। शादी और वली में दोनों दिन सूट? हाँ, दोनों दिन सूट। किस कलर का सूट था? मेरा ख्याल है ब्राउन से कलर का था, डार्क ब्राउन। ये कोई अच्छी बात नहीं है वैसे। अपना तो जोड़ा एक एक चीज याद है, और मियाँ पता नहीं क्या कुछ पहन के आए थे वो, इतना पता है कि कुछ पहना हुआ था। मैंने कहा डार्क ब्राउन, मैंने कहा डार्क ब्राउन। अच्छा, और वलीमे में? वलीमे के दिन मेरा ब्लू था। वलीमे के दिन ब्लू था, ब्लू सूट था। अच्छा, आपका, आपको याद है डॉक्टर साहब ने क्या पहना? जी, डॉक्टर साहब ने शादी वाले दिन गोल्डन शेरवानी पहनी थी। ब्यूटीफुल। और वलीमे पर उन्होंने ब्लैक सूट पहना था, खुला लगाया था। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। साहब मैं आपको बताऊं, आज से कुछ 25 साल पहले दूल्हा जो थे वो अनकंफर्टेबल फील करते थे शेरवानी एंड विद दैट कुला वगैरह। था ना कुला जो सर, वो उस जमाने में इतना कॉमन नहीं था। अच्छा, 25-30 साल पहले इतना कॉमन नहीं था उस जमाने में। अच्छा, फैशन नहीं था, वो कुला था जो ज्यादा खड़ा हुआ होता था। ज्यादातर दोनों दिन लड़के पसंद करते थे कि हम पैंट पहने। अच्छा, हमारे जमाने में भी सूट पहने। डू यू रिमेम्बर आपके हस्बैंड ने क्या पहना था? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की शेरवानी? कोट और नहीं, शेरवानी नहीं पहनी थी। नहीं पहनी थी? नहीं। शेरवानी और क्या? ब्लैक कलर का कोट और कोट पैंट। और दोनों दिन? दोनों दिन। वाओ, आपके हस्बैंड? ऑफ वाइट कलर की शेरवानी। ओके। विद कुला एंड वलीमे में रॉयल ब्लू कलर का जो है कोट पैंट। वाओ, आपके हस्बैंड? शादी वाले दिन तो बेज शेरवानी पहनी थी, गोल्ड वर्क एंड मरून टॉप। वो आपके उसके साथ जाना था ना? कॉम्बिनेशन, यस ऑफ कोर्स। हां, एंड ब्लैक के सूट पहना था वाले दिन। अच्छा जी, आपके हस्बैंड ने? दोनों दिन सूट। डू यू रिमेम्बर द कलर? यस, वन वाज ब्राउन शादी में और वलीमे में डार्क ब्लू। अच्छा, वलीमे में? वाओ। अच्छा, ये सब तकरीबन एक ही जैसा लग रहा है, ट्रेंड्स ऐसे फॉलो हो रहे हैं। जैसे अब बच्चों ने, मेरे बच्चों की शादी है तो सब ने शेरवानी पहनी। हाँ, अब शेरवानी का फैशन है। पहले वाले ने तो कुल्ला पहना था, दूसरे वाले ने वो जो दूसरा तरह का है, कुल्ला दोनों ने लिया। लेकिन क्योंकि मुझे एक ने व्हाइट पहनी थी, एक ने बीच कलर की। अच्छा हबीब भाई, आपने शादी मोहब्बत की थी? नहीं सर, अरेंज मैरिज थी। तो बेगम को कभी गाना शाना सुनाया? बेगम को सुनाता रहता हूँ। सुनाते रहते हैं जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुमताज कुरैशी साहिबा कह रही हैं कि आपने हमको भी सुनाना है गाना। सुन सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुबीना है, एंड ऑफ कोर्स नाज़िर इज देयर, डॉक्टर बतूल इज देयर, एंड डॉक्टर नबिया इज देयर, एंड ऑफ कोर्स मिसेस मुमताज कुरैशी इज हेयर, लियाकत इज हेयर। आपने कौन सी बीमारी बताई थी वो जी? कौन सी? कौन सी बीमारी? गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया, मैं तुमको जब भी देखूंगा मुझे वही बीमारी याद आएगी। गायनेकोमेस्टिया। ऐसी मुझे दो चार बहुत मुश्किल से लफ्ज बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स हबीब भाई, कहीं जाएंगे क्या? नहीं, तो आराम से ना, रिलैक्स हो जाइए। चाय पी रहे हैं आप? जी जी। आपको अच्छी लगी जी? अच्छा ये बताइए, बेगम से जब रोमांस करते हैं जी, बेगम तंग करती हैं आपको या आप?
लड़ाई होती है आप में? नहीं, लड़ाई आज तक नहीं हुई। आज तक नहीं हुई? आप सारी बातें मानते हैं उनकी? जी सर। आप यशमन हैं? 34 इयर्स हो गए शादी को। सुनते होंगे तो फिर लड़ाई नहीं होती। नहीं नहीं, सुनना क्या, मानते हो? दोनों ठंडे दिमाग के हैं बस। कभी हम गर्म हुए वो ठंडे हो गए, वो गर्म हुए हम ठंडे हो गए। बहुत अच्छी बात है यार। और सबसे बड़ी बात ये, सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर वाइफ। मतलब वो इतना ज्यादा वो नजर आ रहा है। आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं जी। कभी ध्यान आया कि दूसरी शादी करने से? नहीं सर, कभी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अपनी बेगम को आजकल कौन सा गाना सुनाते हैं आजकल? आजकल आजकल क्या सुना? अच्छा, आजकल तो ये गाना सुना रहा हूँ। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का रोए, काहे चुप चुप रोए, कोई साथ दे के ना साथ दे। अच्छा, आज हमारे इस वेडिंग वीक में तुम ये बताओ, आपका फेवरेट, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरा फेवरेट, आपकी हीरोइन जो आपको बहुत अच्छी लगती है? हीरोइन हेमा मालिनी, इंडिया की। हेमा मालिनी इंडिया की? जी। फर्ज कीजिए कि ये हेमा मालिनी आपके बराबर में। और आप जिंदगी में पहला और आखिरी चांस है आपको हेमा जी से मिलने का, आप हेमा जी से क्या कहेंगे? नहीं, वैसे मिल चुका हूँ। मिल चुके जी? कहाँ पे? इंडिया में। अरे वाह, तो कुछ कहा उनसे? नहीं, ऐसे ही मुलाकात की थी। क्या क्या कहा? कि मैं आपका बहुत पेरेंट हूँ, ज्यादा ही। अच्छा, ज्यादा कितना ज्यादा? मतलब एक शौक की हद तक, कि उनकी अदाकारी से अदाकारी अच्छी लगी। उन्होंने क्या कहा? शुक्रिया अदा किया, थैंक यू। बस वेरी वेरी नाइस। तो कहाँ मिले थे, कब मिले थे? बम्बई में। और कब? 1989 में। शादी के 10 साल के बाद? जी जी। बेगम साथ थी? नहीं, बेगम साथ नहीं थी, अकेले ही था। अच्छा, जब आप हेमा मालिनी की आप तारीफ करते हैं तो बेगम को कैसा लगता है? नहीं, कुछ नहीं बोलते। कुछ पता है ना आप उनके, मतलब ऐसा तो नहीं कि हेमा मालिनी से मोहब्बत हो आपको? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, हेमा जी से बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हेमा मालिनी आपके बराबर में हो और आपको एक्टिंग करनी हो, हेमा जी को मुतासिर करना हो, इम्प्रेस करना हो, तो क्या कहेंगे हेमा मालिनी से? हाँ जी, फर्ज करें ये हेमा मालिनी आपके बराबर में। मैडम, मैं आप आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जो है आपकी तकरीबन हर फिल्म में देखता हूँ, आपकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद है। इनसे बोले, मैडम मैं आपको हग करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, आ जाओ। हेमा जी, इफ यू एवर गेट टू वॉच दिस शो, प्लीज माफ कर दीजिएगा, बट इट्स अ वंडरफुल फीलिंग यार। आपने बहुत मेहनत की है और बहुत अपना, मतलब बहुत काम किया है आपने, ये तहाशा काम किया, और किसी काम में शर्म महसूस नहीं की? कभी शर्म नहीं आई। वेरी नाइस। और मुझे आई लव द पार्ट व्हेन ही सेड कि 200 रुपए का गरारा आया था, 225 रुपए का सूट आया था, एंड माशाल्लाह 34 इयर्स ऑफ मैरिज। माशाल्लाह यार, मेहनत में अस्मत है। हाँ, मेहनत। मुझे अभी अभी जब ये बात कर रहे थे 200 रुपए वाली, तो मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब याद आ गए। उनकी किताब जरगुज़श्त में, अभी यशो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए ना, मुझे भाषण नहीं देना, जरगुज़श्त में वो फारूकी साहब का जिक्र करते हैं। फारूकी साहब एक ऐसे शख्स थे जिनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरा करती थी, तो जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो एलुमिनियम के बर्तन दिए उसके जहेज में, चांदी का जेवर दिया और एक दुपट्टा सर। तो यूसुफ साहब एक जगह लिखते हैं कि जिस तरह से वो शादी के दिन अपने बाप के गले लग के रोई है, इस तरह से हमने किसी अमीर कबीर की बेटी को भी कभी अपने बाप से लग के रोते हुए नहीं देखा। इट इज़ रियली नॉट अबाउट द मनी। कभी कभार आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ होता है और आपके पास कुछ भी नहीं होता, और कभी कभार ज़िंदगी में 200 रुपए का गरारा आपको ज़िंदगी के 34 खूबसूरत बर्स दिला देता। दिस इज़ ब्रिलियंट। वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। प्रोटोमोल्ट जो अब शामिल है माइलो में, जिसके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको दें भरपूर तवानाई। माइलो अब जौ की ताकत के साथ।
खूबसूरत लंबे बाल पाना और भी आसान। लाइफ बॉय शैम्पू पहली बार लाया दो सैशे एक साथ सिर्फ ₹5 में। लाइफ बॉय शैम्पू, बाल अंदर स्ट्रॉन्ग बाहर लॉन्ग। माँ के प्यार की तरह रिलायबल डॉलेंस, धूप में साए की तरह रिलायबल।